मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। यहाँ देखा जा सकता है कि चाहे त्योहार का दिन हो चाहे छुट्टी का दिन हो, लेकिन पुलिस पूरे समय ड्यूटी कर रही है, लोगों को देख रही है कि मास्क का उपयोग कर रहे हैं लोग। कोरोना के चलते जो है, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, एक वाहन पर ज्यादा लोग सवार तो नहीं है या कोई जो है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी देखने को तो नहीं मिल रही है, इसको लेकर पुलिस यहां लगातार तैनात है। देखा जा सकता है, हम यहां बात कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर मोहित चौबे हैं। क्या ये जो ड्यूटी है ये कोरोना के चलते लगातार कड़ी ड्यूटी पुलिस कर रही है? ये लगभग वही चल रहा है, जो अभियान चल रहा है गवर्नमेंट का रोको टोको अभियान, उसके तहत हम समझाइश दे रहे हैं मास्क लगाने का और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का, तो वही अभियान चल रहा है, उसके तहत चेकिंग जारी है। क्या लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या अभी भी लोग लापरवाही बरतते हैं? कुछ लोग को अभी भी उनको समझा के कई बार समझाया जा चुका है पर मानते नहीं है, पर बहुत सारे लोग जागरूक भी हो गए हैं पर इसमें कमी आई है। फिर भी कोरोना के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है? लगातार तो बढ़ रही है, बस गवर्नमेंट का ही लगातार संख्या बढ़ रही है पर लोग जागरूक ही नहीं हो रहे। जो कुछ लोग हैं जो उनको कई बार समझाओ लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों का हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं उनपे और बाकी लोगों को हम समझाई देकर छोड़ते जा रहे हैं। ये जो स्थितियां हैं, लोगों पर कार्रवाई भी होती है, यहाँ देखा जा सकता है कि एक ऑटो से भी जो है लगातार उसको समझाइश भी दी जा रही है और उनसे वजह भी पूछी जा रही है कि क्या आवश्यक है लगातार घर से बाहर रहना। और ये इस तरह लगातार जो वाहन आ रहे हैं, हर वाहन पर पुलिस नजर रखे है और कहीं कोई गड़बड़ दिखता है तो उसको रोकती भी है। हम आपको बता दें कि इंदौर भोपाल सबसे ज्यादा संक्रमित जिले हैं मध्य प्रदेश के और यहाँ करीब करीब 2000 से ज्यादा जहाँ इंदौर में एक्टिव केस अभी भी हैं तो भोपाल में भी हैं और लगातार हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है और प्रदेश में 41,000 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं और 1,050 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंचने को है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।